वो टाइम से मैं देख रहा हूँ रून किंग टॉर वर्सेस हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच के बैटल रिक्वेस्ट्स बहुत आ रही है और फाइनली आज हम इस टॉपिक को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप एक कॉमिक नर्ड हो तो मैं एक शो ऑफ वीडियो के अंत तक देखना नहीं भूलना क्योंकि बिलीव मी वीडियो की एंडिंग आपको सरप्राइज कर देगी। सबसे पहले अगर हम बात करें रून किंग टॉर की तो ये बंदा लिटरली एक सिंपल गॉड से एल्डर गॉड के लेवल पे पहुंच गया था रूनस और ओडिन फोर्स की पावर मिलने के बाद। एक्चुअली ओडिन के मरने के बाद एस्गार्ड वाज अंडर अटैक बाय सर्टर एंड लोकी। इसके लिए थॉर को कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े ताकि वो रैग्नारोक के इस साइकिल को रोक पाए जिसमें सर एस्गार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। बट सरप्राइजिंगली थॉर ही वो बंदा था जिसने एंड में रैग्नारोक करवाया। वो कैसे, वीडियो को आगे देखते रहो। तो थॉर रैग्नारोक को रोकने के लिए पहले तो अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस कर देता है जिसकी वजह से उसे रूनस की पावर मिली जिसे वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के साथ देख सकता था। थॉर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के इवेंट्स को फील कर सकता था लाइक वो लिटरली ओमनिशिएंट ऑल नोइंग बन गया था। इसके बाद ओडिन की डेथ के बाद ओडिन फोर्स की पावर भी थॉर को मिलती है। ओडिन फोर्स ओडिन की कॉस्मिक एनर्जी थी जिसे वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करने की पावर्स रखता था। ये दोनों पावर अपग्रेड्स मिलने के बाद थॉर बन गया रून किंग थॉर। रून फॉर रून मैजिक की पावर और किंग फॉर ओडिन की डेथ के बाद थॉर एस्गार्ड का किंग बना था। रून्स की पावर से थॉर मैंगोग जैसे बीइंग को सिर्फ एक स्पेल से रियलिटी से इरेज कर पाया था। मैंगोग वही बीइंग है जो कि मल्टीपल टाइम्स एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर पाया था और ओडिन भी इसे डरता था। मैंगोग एक बिलियन सोल्स की हेट से बना था जिसे हराना ओडिन के लिए भी मुश्किल था। बट रून किंग थॉर उसे सिर्फ एक हाथ से रियलिटी से रेज करता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट ये भी रून किंग थॉर की सबसे बड़ी फीट नहीं क्योंकि इसके बाद रून किंग थॉर दोजो सिट अपॉन शैडो जो कि सेलेस्टियल बीइंग्स है जिन्हें कुछ जगह बियॉन्डर्स भी कहा गया है को दमका के हरा देता है। एक्चुअली दोजो सिट अपॉन शैडो ऐसे बीइंग्स है जो ओडिन जैसे गॉड के भी गॉड थे और एस्गार्डियंस की एनर्जी पे सर्वाइव करते थे। दोजो सिट अपॉन शैडो रून किंग थॉर की पावर्स को देख के इतना डर गए थे कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने का ऑफर भी दिया था। बट रून किंग थॉर इवेंचुअली दोजो सिट अपॉन शैडोज का एस्गार्ड से कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करके उन्हें हरा देता है और साथ ही वर्ल्ड ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें सारे रेल्म स्लैश यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती थी। रून किंग थॉर भी डरे बिल को भी एक नए ही रेल्म में टेलीपोर्ट कर देता है और साथ ही डेथ को भी चकमा दे चुका है। बट वहाँ उसे ओडिन ने बचाया था या कह सकते हो ओडिन फोर्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन ने बचाया था। इसका मतलब तो रून किंग थॉर को एक टाइप से इमॉर्टल भी कह सकते हो। बट अब देखो रून मैजिक की क्या लिमिट्स है वो हमें अभी तक कॉमिक में नहीं बताई गई इसलिए रून किंग थॉर कितना पावरफुल है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैं अगर बात करें हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच की तो आप सबने देखा होगा कि स्कारलेट विच क्या क्या कर सकती है। बट हाउस ऑफ एम कॉमिक इवेंट में स्कारलेट विच की पावर्स लिटरली स्काई रॉकेट कर गई थी। सेम मूवीज की तरह स्कारलेट विच अपने बच्चों की वजह से अपनी पावर्स पे कंट्रोल खो देती है। होता यह है कि वांडा को लगता है कि एवेंजर्स ने उसके बच्चों को किडनैप कर लिया है। इसके चलते वांडा ने अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स एवेंजर्स को ऐसा दिखाया कि क्री एम्पायर अर्थ पे अटैक कर रही है जिसके चलते हॉकाई की डेथ हो जाती है। अब जब एवेंजर्स को पता चला कि ये सब स्कारलेट विच ने किया तो उन्होंने देखा कि वांडा क्योस मैजिक का यूज कर रही थी। पर एवेंजर्स के कुछ करने से पहले ही मैग्नेटो वहां आ जाता है और वांडा को म्यूटेंट आइलैंड पे ले जाता है जहां प्रोफेसर एक्स वांडा के माइंड में देखता है तो वो डर जाता है और कहता है कि वांडा हम सबको मार देगी क्योंकि वांडा बिल्कुल भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसी को डिस्कस करने के लिए एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ आते हैं और डिसाइड होता है कि वांडा का उन्हें मारने से पहले वो वांडा को मार देंगे। पर ये बात क्विक सिल्वर भी सुन लेता है जो कि वांडा से सब कुछ ठीक करने को कहता है और बूम स्कारलेट विच पूरी रियलिटी को ही चेंज कर देती है और एक ऐसी रियलिटी बनाती है जहां एक्समैन डोमिनेंट स्पीशीज थी और हर एक बींग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था। स्कारलेट विच लिटरली एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स को बना पाई थी जहां एक्समैन वर्ल्ड के लीडर्स थे और अर्थ का सुप्रीम लीडर मैग्नेटो था। अब टाइम के साथ साथ इस रियलिटी में क्रैक्स पड़ने लगे जहां धीरे धीरे सबको पता चला कि वो एक फॉल्स रियलिटी में जी रहे हैं और जब मैग्नेटो को इस बात का पता चला तो उसने क्विक सिल्वर को मार दिया। पर वांडा लिटरली क्विक सिल्वर को वापस से जिंदा कर देती है और मैग्नेटो से कहती है कि एक्समैन फ्रीक्स ऑफ नेचर है वो ये पावर डिजर्व नहीं करते और जैसे ही वो सब कुछ ठीक करने लगती है तो उसका दिमाग सटक जाता है और सिर्फ तीन वर्ड्स नो मोर म्यूटेंट्स बोलने पे वांडा लिटरली 98% ऑफ म्यूटेंट पॉपुलेशन को पावरलेस बना देती है और इस स्पेल सिर्फ यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स पे इफेक्ट डालता है। मतलब हर एक यूनिवर्स के म्यूटेंट्स की पावर चली गई थी और अराउंड बिलियंस ऑफ म्यूटेंट्स पावरलेस बन गए थे सिर्फ वांडा के तीन वर्ड्स बोलने पे। डॉक्टर स्ट्रेंज तक कहता है कि वो स्पेल को लिफ्ट कर सकता है पर पूरी रियलिटी क्रैश हो जाएगी क्योंकि स्पेल ने धागे की तरह पूरे यूनिवर्सेस को जकेट लिया था। यही नहीं स्पेल से निकली क्योस एनर्जी पूरे ओमनीवर्स में फैल रही थी और कहा गया है कि ये एनर्जी पूरे क्रिएशन या पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है और आगे बढ़ते हुए इस सुनामी की एनर्जी काउंटलेस रियलिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी है और रियलिटी चेंजिंग इवेंट्स को भी स्टार्ट कर रही थी। सो एक तरफ से हमारे पास एक ऐसा बीइंग है जिसका विजडम पूरे एस्गार्ड को बचा पाया था और दूसरी तरफ एक ऐसी पावर जिसकी सिर्फ एक वेव से मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन हो पाई थी।
थी। सो कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रॉ पावर की, तो स्कारलेट विच इसमें आगे है क्योंकि उसकी एनर्जी पूरे मल्टीवर्स को इफेक्ट कर रही थी और वो भी विदाउट इवन ट्राइंग। इसने काउंटलेस रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके मल्टीवर्स में पड़े इफेक्ट्स ऐसे थे कि सारी क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो सकती थी, यहाँ तक कि ओमनीवर्स भी खतरे में था। वही ओडिन फोर्स तो पावरफुल है बट इतना पावरफुल नहीं कि ओमनीवर्स तक को इफेक्ट कर पाए। बट समस्या खड़ी होती है इन दोनों की पावर को कंट्रोल करने की बात पे। अब देखो रून किंग थॉर को रून से विजडम और पावर्स मिली जिनका यूज हमने उसे आसानी से करते देखा। वो इवन दोसू सिट अपॉन शैडोज की रियलिटी को देख पाया था जिनसे ओडिन की फटती थी, बट थॉर विदाउट एफर्ट उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाया था। थॉर भी रियलिटी को इफेक्ट कर सकता है बट अफकोर्स उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे स्कारलेट विच कर सकती है। बट स्कारलेट विच की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। जैसे प्रोफेसर एक ने भी कहा था, जो भी हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच ने किया उसमें 90% यूजों पे उसका कंट्रोल ही नहीं था। वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल खो देती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, और वो भी तब जब वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाती थी तब वो क्योस मैजिक में टैप कर पाती थी। हाँ इस इवेंट के बगैर भी उसने क्योस मैजिक का यूज किया है, बट अभी हम सिर्फ हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच की बात कर रहे हैं, सो बाकी वर्जन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तुम्हें वांडा को इमोशनली अनस्टेबल करना पड़ेगा उसे अपनी पावर्स यूज करने के लिए। चलो रून किंग तो और ऐसा भी कर लेगा, बट क्या भरोसा कि एक फाइट में वांडा अपनी पावर्स को सही से यूज कर पाए। वहीं उसका अपोनेंट एक ऐसा बीइंग है जिसके पास फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट देखने की पावर्स है। उसकी विजडम से ही वो वांडा को शांत कर सकता है विदाउट एनी फाइटिंग। और ये नहीं कि अगर फाइट भी करनी पड़े तो ये नहीं समझने बैठना कि रून किंग थॉर एक अटैक में मारा जाएगा। रून किंग थॉर ने मैंगोव को इरेज किया है, वोल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, दो सुसाइड अपॉन शैडोज को भागने पे मजबूर कर दिया था जिन्हें कुछ जगह बियॉन्डर्स भी कहा गया है, बट स्टिल अभी तक फुली कंफर्मड नहीं कि वो बियॉन्डर्स है या नहीं। और अगर कंफर्म हो जाए कि वो बियॉन्डर्स ही थे तो मैं आंख बंद करके यहाँ पर रून किंग थॉर को विनर बता दूंगा, बट अभी तक ये पूरा कंफर्म नहीं है। सो डेफिनेटली रून किंग थॉर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि वांडा के क्योस मैजिक का डट के सामना करेगा। बट अगेन वांडा की अपनी पावर्स पे कंट्रोल ना होना मुझे थोड़ा सा यहाँ रून किंग थॉर की तरफ इंक्लाइन करता है। सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम्हारे पास दो घोड़े है, एक तो लंगड़ा है जो कि उतने अच्छे से दौड़ नहीं सकता, और दूसरा घोड़ा फिट है जो कि आराम से दौड़ सकता है, बट उसका कोई भरोसा नहीं कि वो रेस में दौड़ेगा भी या नहीं क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा खराब है। तुम इन दोनों में से किसे चूज करोगे, लंगड़े घोड़े को जो दौड़ लेगा या फिट घोड़े को जो कि दौड़ेगा ही नहीं? मैं तो लंगड़े घोड़े को चूज करूंगा क्योंकि इस पे तो कम से कम इतना भरोसा है कि वो रेस में दौड़ेगा। पर अगर मैंने दिमाग से पैदल वाले घोड़े को चूज किया जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो दौड़ेगा तो मैं तो रेस स्टार्ट होने से पहले ही ऑलरेडी हार जाऊंगा। अब लंगड़े घोड़े के साथ चलो मेरे कुछ तो चांसेस है जीतने के, बट दूसरे घोड़े के साथ मैं रेस से पहले ही बाहर हो जाऊंगा जब वो दौड़ेगा ही नहीं। सेम तुम लंगड़े घोड़े की जगह रून किंग थॉर को रखो और फिट घोड़े पर दिमाग से पैदल वाले की जगह स्कारलेट विच को रखो। तुम खुद समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो मेरे ओपिनियन में पावर वाइज स्कारलेट विच रून किंग थॉर से ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमें उसकी फीट से भी पता चलता है और इस बात में कोई शक भी नहीं होना चाहिए। बट एक फाइट में मेरे ओपिनियन में रून किंग थॉर के इस फाइट के जीतने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच के, क्योंकि जिसे खुद अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं, जिसे खुद अपनी पावर्स पे भरोसा नहीं, मैं उस पे कैसे भरोसा कर लूं। इसलिए 7 out of 10 times इन दोनों की फाइट का विनर रून किंग थॉर होगा। पर 7 out of 10 times ही क्यों, 10 out of 10 times क्यों नहीं? इसका रीजन भी मैं बताता चलूं। हो सकता है कि कभी स्कारलेट विच अपनी पावर्स को कंट्रोल कर ले, इसलिए उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए 3 बार स्कारलेट विच को भी मैंने विनर बताया है, क्योंकि पावर वाइज स्कारलेट विच रून किंग थॉर से आगे है। सिर्फ रून किंग थॉर का एक्सपीरियंस और अपनी पावर्स पे कंट्रोल की वजह से मैं उसे 7 out of 10 times इस फाइट का विनर बना रहा हूँ। बट ये तो था मेरा ओपिनियन। कुछ लोग एग्री भी करेंगे मेरे ओपिनियन से और कुछ नहीं। जो एग्री करते हैं वो लाइक और शेयर करो, जो डिसएग्री करते हैं वो मुझे अपने आर्गुमेंट्स कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक कौन सा मार्वल गॉड सेलेस्टियल्स को हराने का दम रखता है पे वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस रून किंग थॉर में कौन ज्यादा पावरफुल है पे वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।